सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सो आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक ईजी पेंटिंग। उसके लिए हम लोग को चाहिए एक पेपर, वाटर एंड आई हैव टेकन टू पेंट ब्रश एंड पेंट। सो फर्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे ब्लैक कलर का पेंट। और ये पेंटिंग बहुत ईजी है, जो जो अभी पेंटिंग बिगेन कर रही है, जो अभी पेंटिंग बिगेनर है। सो मैंने यहाँ पे दो ब्रशेज लिए हैं, एक मेरे पतला वाला है, एक मेरा मोटा वाला है। सो फर्स्ट वी विल टेक वाटर एंड पहले हम लोग पेज पे ऐसे करके पेज को गीला कर देंगे, ताकि हम लोग का कलर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम लोग ने पूरा गीला कर दिया है। अब उसके बाद हम लोग को लेना है एक पेंट कलर, जो ब्लैक कलर हम लोग को लेना है। और उस ब्लैक कलर को हमने लेना है, और उधर हम लोग को जितना एरिया में हम लोग को करना है उतना एरिया हम लोग एक लाइन बना देते हैं। सो जितना एरिया में हम लोग को करना है उतना एरिया में हम लोग ने लाइन बना दिया। अब उसके बाद हम लोग उसके अंदर हम लोग पूरे अच्छे से कलर भरेंगे और थोड़ा सा लाइन के इधर से मर्ज कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग ये जो कलर है ब्लैक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पूरा उसके अंदर फिल करेंगे ब्लैक कलर। सो लेट्स सी, फिल हो गया है। अब उसके बाद हम लोग लेंगे ब्लू, ब्लू कलर लेंगे हम लोग। और नीचे जो मैंने ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स बनाए हैं, उसके साथ हमें ब्लू कलर को मिक्स करना है, ताकि वो ब्लूइश ब्लैकिश टाइप का लुक आए उसका। सो हमें पहले मिक्स कर देना है ब्लू को ब्लैक के साथ पूरा अच्छे से, पहले जहाँ तक उतना स्पेस है। और उसके बाद उन लोग को जब मिक्स कर देंगे दोनों कलर को, उसके बाद हम लोग को नीचे फिर एरिया ड्रॉ कर लेना है। और बस वहाँ पे दिखा देना है कि हम लोग को इतना एरिया जो है ब्लू कलर करना है। सो देखिए अभी हम लोग ने कर दिया है। अब उसके बाद हमें ब्लू एंड वाइट को हम लोग को डार्क से लाइटर लाइटर करके पेंटिंग बनाना है। तो फिर हम लोग ब्लू और डार्क ब्लू को मिक्स करेंगे, तो सिंपल सा बात है लाइट ब्लू बनेगा। सो पहले हम लोग ब्लू को डाल देते हैं, उसके बाद पहले हम लोग ने वाइट को डाल दिया, उसके बाद हम लोग ब्लू पेंट को कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग मिक्स करेंगे, तो सिंपल सा बात है कि वो पूरा आएगा। अब देखिए लाइटिंग डिफरेंस देख रहे हैं ना आप। अब हम लोग इसे ऐसे मर्ज कर देना कि पूरा लगे कि है। और उसके बाद हम लोग को फिर से नीचे डार्क कर देना, और उसके बाद हम लोग को माउंटेन्स बनाने। सो माउंटेन्स मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, ब्लैक कलर से अच्छे बनेंगे। सो ब्लैक कलर से मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, आप चाहे तो कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। और उसके बाद फिर हमें इसके अंदर पूरे ब्लैक कलर से फिल करना है। सो उसके बाद हम लोग पहले फिल कर देते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइटनर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया था मून के लिए, जिससे मैं अभी वाइटनर से फिल करने वाली हूँ। अगर आप चाहे तो आप वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास वाइट कलर थोड़ा ही था, इसलिए मैं एक वाइटनर का यूज़ कर रही हूँ। सो वाइटनर से मैंने पूरे इसे वाइट कर दिया, पूरा एक मून लुक दे दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें वाइट कलर के ना ये वेव्स लाइन बना लेने हैं। जैसा हम लोग ने वाइट कलर का बनाया है, वैसे ही हमें ब्लैक कलर के बनाने हैं। अब उसके बाद हम लोग ने जैसे लिया, उसके बाद हमें उसे वैसे वेव लाइन की तरह कर देना, ताकि लगे कि वेव आ रहा वाटरी पोजिशन में। उसके बाद हम लोग ने जैसे कर दिया, वैसे जैसे इस साइड किया है वैसे हम लोग दूसरी साइड भी करेंगे। अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पहले वेव बनाया ब्लैक कलर का, उसके बाद मैंने पूरा उधर अपोजिट साइड पे मुझे पूरा ब्लैक कलर का ही करना है। सो आई हैव पहले मैंने वाइट कलर का कर लिया था, उसके बाद मैं ब्लैक कलर का कर रही हूँ। अब उसके बाद फिर ये वाइट कलर का करा हुआ है मैंने, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट साइड पर भी हमें वाइट कलर करना है। और उसके बाद देख सकते हैं कि अभी हो चुका है। अब ये जो पेंटिंग है बहुत अच्छा है, प्लीज़ आप लोग मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें। बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा पेंटिंग है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।